नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली अंतर्गत दूरसंचार विभाग के पास मेन रोड पर तेज गति से आ रहे भवानी ट्रांसपोर्ट के ट्रक ने एक होमगार्ड के जवान की एस तेकाम पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय नागरिकों ने घायल जवान को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में तेज गति से मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय नागरिकों ने घायल जवान को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रही अनाज से भरी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की है। गल्ला था, गल्ला की वजह से वो पिकअप पलटी तो 6 आदमी थे और फिर एक घायल हो गया। मेरे चाचा ने बालपुर तहसील से रेफर कराया, उसको हेड इंजुरी भी है, क्रश इंजुरी है, लेफ्ट फुट फ्रैक्चर है, राइट हैंड फ्रैक्चर है और अभी अनकॉन्शियस है, ब्लैक आई है। इसको जबलपुर रेफर किया गया है, 108 अभी आने वाली है, तो इसकी हालत अभी गंभीर है। थाना उमरिया में एक लगभग 50 वर्ष के पुरुष को सड़क दुर्घटना के पश्चात उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया है, जिसका प्रारंभिक उपचार मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी रोड एक्सीडेंट की घटनाएं इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह यही है कि एक तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा इसमें कि जो ओवरलोड है होता है, और इसके अलावा जो अन एक्सपर्ट लोग उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है, जो ठीक से चला भी नहीं पाते, और बहुत कम उम्र के बच्चे भी बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से आपने देखा होगा वो गाड़ियाँ चलाते हैं। और दूसरा जो ओवरलोडिंग होती है, जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स को लोड करने का जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उस रूल को लोग फॉलो नहीं करते। चालक है, एक्सीडेंट के पीछे नशा भी बहुत कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है रोडों के लिए होनी चाहिए, वो भी कार्रवाई नहीं करते। आज एक पिकअप जो है वो गल्ले से लोड थी, उसमें गल्ला भरा हुआ था, वो पिकअप मानपुर तरफ जा रही थी। ये अपने इंदौर तरफ की रोड से आकर के मानपुर जा रही थी। मानपुर जो तिगड्डा है उससे 3-4 किलोमीटर और आगे मानपुर तरफ जैसे ही पहुंची है, अनियंत्रित होकर के वो पिकअप पलट गई थी, जिस पर से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं। उन सभी आहतों को तत्काल मानपुर थाने के स्टाफ द्वारा आकर के मानपुर PSC पहुंचाया गया था, जहां से उनको उमरिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिर से उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।